हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज द क्लास ऑफ 10th क्लास एंड आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी फेमस पोयम विच नेम इज द विलेज सॉन्ग। इट इज कंपोज्ड बाय द फॉर्मर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश हुज नेम इज सरोजनी नायडू। द विलेज सॉन्ग is a conversation, is a dialogue conversation between a mother and her son. A mother is trying to make her daughter understand that the family life is full of pleasures, and the daughter is replying, I am going to start the poem now and hope that you will learn very carefully. हाँ, एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा। सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इनके पिताजी एक प्रोफेसर थे और इन्होंने एक एंथोलॉजी लिखा जिसका नाम था द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। 1905 में लिखा गया ये और तभी से यह फेमस हो गई। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महात्मा गांधी से इनका बड़ा जुड़ाव था। यह महात्मा गांधी को आदर्श मानती थी। वह नेहरू से भी पहले कांग्रेस की अध्यक्षा बनी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। किस सन में? एट 68 सी बिकेम द गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, मतलब वो पहली ऐसी महिला हुई जो गवर्नर बनी और उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हो गई। इनका बचपन से ही पोएट्री में बहुत लगाव था, कविता लिखने में बड़ा लगाव था। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। माँ कहती है अपनी बेटी से, हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। हनी मतलब यहाँ मधु नहीं होगा, प्रिय होगा, प्यारी होगा। प्रिय बच्ची, प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, विदर आर यू गोइंग, विदर मीन्स वेयर, कहाँ जा रही हो, मतलब तुम कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी बेटी। ये एक माँ अपनी बेटी से पूछती है। वुड यू कास्ट योर जेवेल्स, क्या तुम अपने गहनों को फेंक दोगी। आर टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, ब्रिजेस मीन्स हवा में, तो तुम क्या अपने सारे गहनों को हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, फेड यू का मतलब खिलाना पिलाना और गोल्डन ग्रेन का मतलब अनाज, मतलब कुल मिला जो है कहने का मतलब ये हुआ, ए मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम उस माँ को छोड़कर चली जाओगी जिस माँ ने तुम्हें बड़े ही लाड़ से प्यार से पाला है, पोसा है और तुमको बड़ा किया है, उस मां को भी तुम छोड़कर चली जाओगी। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, वेड मींस शादी करना, मैरी करना, ग्रीव मतलब दुख पहुंचाना, उदास करना, मतलब वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने होने वाले पति को, क्या तुम अपने होने वाले प्रेमी को उदास करके चली जाओगी। जो तुम्हारा पति जो होने वाला है वो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, क्या तुम उस पति को, उस प्रेमी को छोड़कर चली जाओगी। तब वह बेटी अपने माँ को जवाब देती है और कहती है, मदर माइन, ए मेरी प्यारी माँ, ए मेरी प्यारी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस घने जंगल में जा रही हूं, मैं उस घने जंगल में जा रही हूं, वेयर अपॉन द चंपा बब्स, जहां चंपा की शाखाएं, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, और जहां चंपा की कलियां खिल रही हैं, मतलब वहां पर रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हैं, फूलों की शाखाएं हैं, फूलों के पौधे हैं, वृक्ष हैं, उस जंगल में मैं जा रही हूं, टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइस, मैं उस रिवर के पास जा रही हूं जहां के आइस पर, जहां के द्वीप पर कोयलें उगती हैं
और इतनी सुरीली और मधुर आवाज में कोयले कूदती हैं कि उनकी आवाज को सुनने के लिए कान हमेशा तरसता रहता है, कान हमेशा ढूंढता रहता है, मैं उस आवाज को सुनने के लिए जंगल में जा रही और कहां जा रही हूं, वेयर द लोटस लिलीज आर लिलीज ग्लिस्टन, मैं उस जंगल में जा रही हूं जहां जलकुमुदनियां खिलते हुए दिखाई देती हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। और कहां जा रही हूं, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, और देखो मां परियों का समूह, परियां, परियों की आवाज आ रही हैं, वो मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, जरा सुनो तो, अर्थात ऐ मां मैं उस जंगल में जा रही हूं जो जंगल फूल से, फूल की खुशबू से, वृक्ष से, वृक्ष के हरियाली से, नदी से, नदी के द्वीप से, विभिन्न प्रकार के पक्षियों से, उनके मधुर आवाजों से भरा हुआ है। मैं उस जंगल में जा रही हूं, मैं उस जंगल में जा रही हूं जहां परियां रहती हैं, जहां परियां मिलजुल कर रहती हैं, मैं उस जंगल में जा रही हूं, जरा सुनो तो, वो परियों की आवाज मुझे बुला रही है। फिर आगे जवाब देती है माँ, फिर से माँ बोलती है, तीसरे पहले स्टेंजा में माँ बोलती है और दूसरा स्टेंजा में लड़की बोलती है, फिर तीसरा स्टेंजा में माँ बोलती है, चौथे स्टेंजा में लड़की बोलती है। हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, है मेरी प्यारी बेटी, है मेरी प्यारी बेटी, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, यह संसार खुशियों से भरा हुआ है, अर्थात मनुष्य का जीवन, पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ है। मतलब ऐसा तुम यदि सोचती हो कि तुम्हारा शादी विवाह हो जाएगा, तुम चली जाओगी, तुम्हारे जीवन में बहुत दुख होगा, बहुत उदासी होगा, बहुत कष्ट होगा, बहुत परेशानी होगा, तो ऐसा मत सोचो। यदि जीवन में परेशानी है, दुख है, तो बहुत सारी खुशियां भी हैं और हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आप ब्राइडल सॉन्ग्स, अर्थात शादी के गीत से, मतलब इस मनुष्य के जीवन में शादी के गीत होते हैं एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और पालने के गीत होते हैं एंड सैंडल सेंटेड लीजर, लीजर मींस आराम, सैंडल मींस चंदन, सेंट मींस सुगंधित, अर्थात चंदन के सुगंध से, चंदन के सुगंध से यह जीवन भरा हुआ होता है। अर्थात मनुष्य जब इस दुनिया में पैदा लेता है तो पैदा लेने के बाद बचपन का आनंद लेता है, फिर युवा अवस्था का आनंद लेता है, फिर उसकी शादी होती है, शादी में अपने अपने परंपरा, अपने अपने संस्कृति के हिसाब से सबकी शादी होती है, पालने के शादी के गीत गाए जाते हैं, और फिर जब आदमी पारिवारिक जीवन में आ जाता है तो बच्चे होते हैं, और बच्चे होते हैं तो उसका आनंद लेता है, और इस तरह से हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ होता है। Your bridal locks are in the loom. देखो तो जरा, तुम्हारा जो शादी का वस्त्र है वह लूम में है, करघे में है, तैयार हो रहा है, और सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, जो तुम्हारा शादी का वस्त्र है वह चांदी के रंग का है और केसरिया के रंग का है, मतलब बहुत ही रंग बिरंगा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, तुम उसको पहनोगी तो बहुत प्यारी दिखोगी, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगा, तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा, इसलिए तुम्हारा शादी का वस्त्र तैयार हो रहा है, करघे में है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन हर्थ, ऑन द हर्थ, और तुम्हारा जो ब्राइडल केक्स है, दुल्हन का जो केक है, जो दुल्हन के शादी के समय काटा जाता है, वह भी भट्टी में है, वह भी तैयार हो रहा है। ओ विदर आर यू गोइंग, ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहां जा रही हो, तुम कहां जा रही हो, अर्थात तुम जंगल में मत जाओ, इस सांसारिक जीवन को, इस पारिवारिक जीवन को छोड़कर मत जाओ, क्योंकि यह पारिवारिक जीवन भी खुशियों से भरा हुआ। फिर से आगे वो लड़की कहती है, बेटी कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी माँ, जो शादी का गीत है और जो पालना का गीत है उसमें दुख का उतार चढ़ाव है, उसमें दुख है, उसमें दुख का संगम है, दुख का ताल है, कैडेंस मींस कैडेंस, वह एक उतार चढ़ाव होता है, वो संगीत में होता है, ताल में होता है, अर्थात जो ब्राइडल सॉन्ग्स है, शादी के गीत है और पालने के गीत है, इसमें दुख का उतार चढ़ाव है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, मतलब आज की खुशी, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, कल का गम है, मतलब आज हम भले खुश हैं
लेकिन यही आज की हमारी खुशी कल गम में भी बदल सकती है। आज हमारा जीवन है, कल हमारा जीवन नहीं भी हो सकता है, इसमें मृत्यु भी हो सकती है। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, मतलब जो हमारे जीवन में संगीत है, सुख है, आनंद है, उससे भी ज्यादा वह संगीत है, वह सुख है जो जंगल में नदियों की जलधारा जब गिरती है, नदियों जंगल में जो नदियां होती हैं और नदियों के जलधारा जब गिरती है तो उससे जो संगीत उत्पन्न होता है, उससे जो माधुर्य उत्पन्न होता है, उससे जो सुरीलापन उत्पन्न होता है, वह हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले संगीत से भी ज्यादा कर्णप्रिय है, सुरीला है और ज्यादा आनंददायक है। ओ मदर माइन, ऐ मेरी माँ, आई कांट स्टे, अब मैं यहां नहीं रुकूंगी, द फेयरी फॉक आर कॉलिंग, परियों का समूह, परियां मुझे बुला रही हैं, इसलिए मैं जा रही हूं। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, इस गीत में, इस लिरिक में, इस पोयम में चार स्टेंजा हैं। चार में पहला स्टेंजा माँ द्वारा बोला गया, पूछा गया प्रश्न है, दूसरा स्टेंजा बेटी द्वारा दिया गया जवाब है, फिर तीसरा स्टेंजा माँ द्वारा पूछा गया, बोला गया क्वेश्चन है या बात है, समझाया गया बात है, सजेशन है, और चौथा स्टेंजा बेटी द्वारा बोला गया जवाब है। अर्थात एक ऐसी बेटी जो अक्सर, मेरा यह अपना व्यक्तिगत मानना है, अक्सर बेटियां लड़कियां जब शादी की बात आती है तो शादी विवाह से माहौल को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भागना चाहती हैं, शादी जैसे झंझट वाले जीवन में पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन वही माँ उसको समझाती है, घर के बड़े बुजुर्ग उसको समझाते हैं कि नहीं, यह हमारे जीवन का कर्तव्य है, यह हमारे जीवन का हिस्सा है, यह हमारी जिम्मेदारी है, हमें शादी विवाह करना है, परिवार बसाना है, आगे बढ़ना है, सामाजिकता में रहना है, उसी में खुश रहना है, कभी कभी दुख भी आएगा, उस दुख को हमें खुशी में भी बदलना है। तो इस प्रकार यहाँ पोयम समाप्त हुआ, इसको आप ध्यानपूर्वक बार बार सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।